दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। यार ना होटल के बाहर तो निकल गए हैं और सुबह में इतना इतना मस्त सब व्यू आ रहा है, तब चलते हैं गाड़ी में, उसके बाद चलेंगे लोकेशन में। अभी सुबह सुबह चाय का प्याला का चुस्का लेते प्याले में चाय का चुस्का लेते हुए टपरी टपरी प्याली तो बड़ा वाला जो रखता है उसको नहीं, टपरी टपरी भाई। पटना का रोड पूरा अच्छे से पूरा खाली है। लोकेशन पर लोकेशन है हम लोग का, कहाँ लोकेशन है? बिहार म्यूजियम। हाँ बिहार म्यूजियम, तो वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कैसा फोटो सेशन चलता है सब। अभी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बिहार म्यूजियम गेट के ही पास है। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में तो आना था अच्छा सा धूप भी आ जाएगा, तो आना थोड़ा पहले शूट करते हैं। बिहाइंड द सीन तो कुछ है ना, शूट करने वाले तो है नहीं, क्योंकि है ना दिल मना किया कि बिहाइंड द शूट बिहाइंड द स्क्रीन है ना शूट ना करने के लिए, तो चलो शूट करते हैं। तो हे गाइस, तो अभी सुबह से तो कुछ खाए पिए तो है नहीं, तो अभी फिलहाल सामने सुधा पार्लर है, तो वहाँ से भी जा रहे हैं लस्सी लाने के लिए। तो देखते हैं कल और भी कुछ कुछ मिलेगा तो वो भी ले लेंगे। तो अभी चलते हैं रोड के उस साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या और मिलता है। हाँ कैसे रोड का डालते हैं। तो यहाँ पे सुधा पार्लर में आ चुके हैं, देखते हैं इनके पास अभी क्या क्या अवेलेबल हो। लस्सी अवेलेबल है, लस्सी अवेलेबल है, तो 6 लस्सी यहाँ पे अभी ले लिए हैं। तो आज सुबह सुबह लस्सी पीने का ही मज़ा कुछ और है, और सुधा का लस्सी और मस्त टेस्टी होता है। तो अभी लस्सी ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा ही यहाँ पे था बाकी फोटोशूट बाकी है, तो यहाँ से फोटोशूट करके उसके बाद होटल चलेंगे। तो ये गाइस, तो अभी पूरा फोटो सेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी है ना यहाँ का पूरा फोटो सेशन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से आओ फिर होटल चलेंगे। तो अभी यहाँ का फोटो सेशन का कंप्लीट हो गया है, और फिलहाल हम लोग अभी होटल जा तो पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद होटल जाएंगे। तो अभी अभी सारे लोग हैं बस लस्सी पी रहे हैं, और मैं पहले ही पी लिया था, तो अभी कल पहले नाश्ता करते थे अच्छे पे, फिर उसके बाद चलेंगे होटल। अच्छा
खिड़की खोल। तो अभी आ गए हैं नाश्ता की दुकान पे, जो रोड साइड जो ठेला वाला होता है वहाँ पे। पूरी और आलू का सब्जी। आप अभी वीडियो बना रहे हैं भैया, नाश्ता है तो हो गया पूरा। तो अभी फिलहाल गाड़ी के पास जा रहे हैं जहाँ हम अब होटल जा रहे हैं। तो साथ में दो लीटर का दो पानी का बोतल ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे होटल में दो लीटर का पानी अवेलेबल नहीं था। तो यहीं से तो यहाँ से चलेंगे यहाँ होटल। तो अभी फिर से है ना एक और लोकेशन पे है ना फोटो शूट करने के लिए जाना है। तो अभी है ना बाकी सब तो हम चार आ गए हैं और दीदी और आने वाली है। तो अभी चलते बैठते हैं गाड़ी में, यहाँ पे गाड़ी भी लग गया नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्पॉट पे। तो ये जगह है एयरपोर्ट रोड, तो यहाँ पे अब फोटो शूट स्टार्ट करेंगे। डर भी है। हाँ, तो हम लोग भी व्लॉग बना रहे हैं, देखिए हम जा रहे हैं। तो फोटो शूट एड करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी शूट खत्म हुआ और हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट शॉट शूट लोकेशन पे। तो गाड़ी स्टार्ट, चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम आ गए अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। पिछले लोकेशन में ये हुआ था क्या ना, वहाँ पे एक गार्ड है ना, वहाँ पे बोला यहाँ पे कैमरा कुछ अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ कैमरा होगा और कोई है ना बोलने के लिए आएगा, इस वजह से वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अगले लोकेशन पे है एयरपोर्ट रोड है, उससे हल्का और पीछे है, तो वहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पर देख, यहाँ पर वैसे लोकेशन भी मस्त है, पीछे है ना पूरा पेड़ लगा हुआ और लोकेशन सब सही है। तो है ना अब शूट करते हैं, फिर चलेंगे होटल। तो यहाँ का स्टेशन कंप्लीट होता है और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं होटल, क्योंकि वहाँ पर चेकआउट भी करना है और कि वहाँ पर ड्रेस सब चेंज करना है। तो अब चलते सीधा होटल, फिर वहाँ से फिर चलेंगे अगले लोकेशन पे। फिर देखते कहाँ भैया बोलते हैं जाने के लिए। तो अब चलते हैं। तो अभी दोपहर के एक बजे हैं और हम लोग आए हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो यहाँ पे फोटो शूट कर, तो यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, मगर ठीक है, लोकेशन तो सही है फिलहाल। तो मैं मजाक उड़ा रहे ब्लॉगिंग का। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लोकेशन पर आ गए हैं, तो आओ शूट करके उसके बाद चलेंगे, उसके बाद अगले लोकेशन पे, उसके बाद फोटो शूट खत्म, उसके बाद चलेंगे दीदी के डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद देखते क्या करना। स्टेशन पर कम्प्लीट हुआ और अब जा रहे हैं खाने के लिए, कहीं देखते क्या मिलता है खाने के लिए। तो अब ये खा के उसके बाद डॉक्टर के पास जाए, तो चलते अब खाने के लिए। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं पाल स्टेशन में खाने के लिए, देखते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने लोकेशन पे दीघा घाट, जो यहाँ का मरीन ड्राइव बोला जाता है इस घाट को। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे अपने अच्छे से ना फोटो शूट करके, ये लास्ट लोकेशन है फोटो सेशन का। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे डॉक्टर के पास, दीदी का चेकअप करवाना है फिलहाल। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, इधर ये नया पुल जो बना था, उधर महात्मा गांधी सेतु पुल है, इधर है दीघा पुल, यहाँ से देखते हैं गंगा नदी का व्यू एकदम जबरदस्त। और ये नया रूट बना है, मस्त बना है, पहली बार मैं कि इससे पहले जो आए थे उतना अच्छा था नहीं, वहाँ भी का जबरदस्त था।
ज़्यादा ही थक गए हैं वहाँ पर। दीघा में ज़्यादा सूट तो हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धूप था और लोकेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था। तो हम वहाँ से आ गए और शाम में 7 बजे जीजू का फ्लाइट भी है तो ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पर आ गए हैं डॉक्टर के पास दीदी का चेकअप कराने के लिए। पता नहीं आप यहाँ पर कितना टाइम लगता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसके बाद चलेंगे कुछ खाएंगे, उसके बाद जीजू को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके उसके बाद सीधा करेंगे। हे गाइस, तो अभी जीजू को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए हैं। तो अभी जीजू का एक ही बैग है। अब यहाँ से जीजू अंदर जाके बैठेंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। घर के लिए पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। ठीक है मनीष, बाय। चलो बाय, चलो आपको उठा के ले बाय बाय। रात के 8:30 बज गए हैं और हम लोग अभी राजेंद्र नगर में पहुंच गए हैं। मैं राजेंद्र नगर से पहले ही था, तो अभी हम खाने के लिए ना KFC से कुछ है ना बर्गर और चिकन कुछ लिए हैं और एक पेप्सी। तो मेरा पेट भर जाना चाहिए इससे। तो अब ना गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद सीधा घर चलेंगे और रास्ते में ही गाड़ी में ही सारा ये सब खा लेंगे। फिलहाल दीदी अभी मॉल में है, कुछ सामान ले रही है जन्माष्टमी के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है। तो और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।